हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। तो मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लेकर। और ये ब्लॉग तो काफ़ी मतलब वैल्यू रखता है हम लोगों के लिए। और हम लोग जा रहे हैं आज खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने। देखिए, जब तक भगवान बुलाते नहीं हैं तब तक कोई नहीं जाता है। तो बस ऐसे नक्षत्र बने कि हमें भी खाटू श्याम बाबा जी ने बुलाया है, तो हम भी आज चल रहे हैं। तो हम लोग टैक्सी से जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि अरुण क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं, अरुण जो है, जो हमारे घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें पानी भर भर के डाल दे रहे हैं, क्योंकि एक दो दिन जो है पानी नहीं डलेगा। तो ये सब देखिए, तुलसी माता का पेड़ है ये। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि विहान क्या कर रहा है। विहान आईपैड देख रहा है, इसने थोड़ा सा उपमा खा लिया है एक दो गज से, ताकि मतलब थोड़ा सहारा बना रहे। और आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि नाइट में स्टे करने का है हमारा। तो यहाँ हम लोगों ने पैकिंग कर ली है, यहाँ खाने का आइटम रख लिया है, वाटर बॉटल्स रख ली हैं, मैंने रास्ते के लिए सैंडविचेस बनाए थे तो वो भी रख लिया है मैंने, कुछ चिप्स और बिस्किट्स रख लिए हैं। तो मैं भी नहा धो लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको टाइम टू टाइम, जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। ये कॉम्पैक्ट जो है लैक्मे एब्सोल्यूट, इसमें SPF है 23, तो 23% इसमें SPF है। तो मैंने पहले सनस्क्रीन भी लगा ली थी, बस कुछ नहीं, हल्का सा डैब डैब करके हल्का सा लाइनर लगा लिया है। अब मैं लगा रही हूँ काजल। काजल बहुत अच्छा है, ये आँखों में बिल्कुल चुभता नहीं है और काफ़ी टाइम तक रहता है ये काजल। ये मामा अर्थ का काजल है, और अब ये लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, ये लाउड पिंक लिपस्टिक है। इसका रिव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। बस बाल कर लूंगी मैं, उसके बाद में रेडी हूँ। विहान को देखिए, विहान ने अपने देखिए कितने सारे टॉयज ले लिए, विहान ने इकट्ठा कर लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और तुम लोग आज टाइम से रेडी हो गए हो, बस कैब भी आ ही गई है। चलिए आ गई लिफ्ट। थोड़ी देर बाद ही मैंने अपना डब्बा खोल लिया है, जहाँ मैं सैंडविचेस और पिचकू कैचअप लाई थी। मैंने छोटा सैशे खरीद दिया था ताकि खाने में आसानी रहे और यूज एंड थ्रो भी है, ख़त्म हो जाए तो वहीं की वहीं फेंक दो आप। तो देखिए मेरे गर्मा गर्म सैंडविचेस। और बेसिकली अरुण और मुझको दोनों को ही भूख लगी थी, क्योंकि सुबह हम लोग कुछ भी नहीं खा के आए थे, बस थोड़ा चाय वाई पी थी। और यहाँ मैं इनके लिए सैंडविचेस निकाल रही हूँ, प्लेट वगैरह कुछ नहीं लाए क्योंकि वो झंझट होता है फिर। और ये देखिए, अरुण ने ये क्लिप बना ली थी तो मैंने बीच में डाल दी है, ये हम दोनों उनके ऊपर सो रहे हैं। आज तो कुछ गाड़ियाँ ज्यादा प्रेफर कर रहा है। हाँ, सस्ते पड़ता है ना चलाना, बीच बीच में पड़ती रहेगी तो हम लोगों के पैर भी नॉर्मल जाएंगे। पीछे का व्यू देखना, अच्छा लग रहा है तुमको? अभी तो खैर
कितना 2 घंटे हो गए हम लोगों? हाँ 4 घंटे हो रहे हैं। सो भी गई मैं तो। हाँ थोड़ा सा विंडो नीचे कर लेंगे। अभी रेड बस की तो आप देखिए, बीच बीच में आपको यहाँ पे रास्ते में घर दिखाई देते रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा या तो जंगल है या खेती बाड़ी कर रखी है यहाँ पे लोगों ने। यहाँ पे मतलब चावल की धान वगैरह ये सब उगाए जाते हैं यहाँ पे, और आम के भी बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे यहाँ पे, छोटी छोटी कैरियाँ भी लग रही थी। हालांकि आम का सीजन अब जा चुका है, पर बहुत खूबसूरत रास्ता था। तो हमें टैक्सी ना छोड़नी पड़ी है अपनी, और अब हम यहाँ ऑटो में बैठ गए हैं क्योंकि मंदिर की वजह से ना रास्ता बंद कर दिया गया है। तो आगे होटल तक जाने के लिए हम लोगों को ऑटो लेना पड़ा है। करीबन 1 किलोमीटर है ऑटो, होटल वहाँ जाते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। हमारा फ्लैट नंबर भी 203। हाँ, और ये देखिए काफी बड़ा रूम है, किंग साइज बेड है, चेयर्स वगैरह भी काफी इन लोगों ने एंटीक तरीके से रख रखी हैं, और काफी खूबसूरत लग रहा है मुझे ये रूम। बाकी यहाँ पे इन लोगों ने ड्रेसिंग टेबल दी है पूरा आप यहाँ पे, और ये है बाथरूम। इसके अंदर सब टॉयलेटरीज रखी हुई हैं। चलिए अब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हम निकलेंगे मंदिर के लिए शाम को। पहले उससे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। सरस छे। तो फ्रेंड्स, खाना वाना खा के हम लोग ऊपर रूम पर आ गए हैं अपने, और खाना भी अच्छा था। और मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि जब भी आप खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए आएं तो इस रूम में स्टे करें। यहाँ काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ मिलती हैं आपको, और रूम का साइज़ भी और इवन बेड का साइज़ भी अच्छा है और किंग साइज़ है। ये देखिए ऐसे काउच भी आपको दिए जाएंगे, 2 चेयर्स भी, और कुछ विचार जानते हैं अरुण के भी, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो ये देखिए, ये अरुण जो है यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, वीडियो ऑन होते ही दिख के तो बैठ गए हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा है, होटल अच्छा है, रूम बड़ा है, राजस्थान में है जो राजस्थान स्टाइल आर्किटेक्चर है। हाँ, होटल में भी एक मंदिर है, ऊपर टेरेस है, प्लस खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 400 मीटर की दूरी पे है ना। हाँ हाँ, और रूम के अंदर भी यहाँ पे राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सब खाटू श्याम जी की वाइब है पूरे टाउन में। हाँ, और पूरे होटल में ना आपको इत्र की स्मेल आएगी, है ना, इत्र की स्मेल है, और राधे राधे से स्टार्टिंग करते हैं लोग, नो कोई करते हैं, राइट, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कुछ नहीं है, राधे राधे बोलकर ही आपको ग्रीट करते हैं। देखो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करके अभी तो लंच करके आए हैं, फिर चलेंगे देखेंगे सब। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और मैं आपको विहान को दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए हमारा राजकुमार, कैसा लगा तुमको होटल? बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ क्या बोल रहे, फूड भी बहुत टेस्टी है। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे राधा कृष्ण जी का है, पेंटिंग्स लगा रखी हैं इन्होंने, ये भी देखिए आप, एक और है। तो बेसिकली काफ़ी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे बनाऊंगी। तो अभी मैं काफ़ी थक गई हूँ, आप लोग मुझे देख के ही बता सकते हैं, बालों का कोई होश नहीं है, ओढ़े पड़े हैं। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ अगले पार्ट में। इस वीडियो के कंटिन्यू होगी ये, अब हम मंदिर की यात्रा का दिखाएंगे आपको,
और बने रहिएगा मेरे संग ऐसे ही। और अगर आपको मेरा ये पार्ट वन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ इसी वीडियो के कंटिन्यू पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय कर दीजिए आप लोग भी। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।